धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नवाब सैफुद्दीन दे कोल सैफाबाद विच चौमासा कट्टण तो बाद पूरे परिवार नूं नाल लेके अगले पिंडां दे प्रचार दौरियां ते चल पैंदे ने जी। सब तो पहला सैफाबाद दे बिल्कुल नाल ही बहादुरगढ़ दे विच पिंड पैंदा जी महमदपुर जट्टां। उत्थे रोड दे उत्ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दी याद विच ये गुरद्वारा साहब सुशोभित है। इत्थों किलो डेढ़ किलोमीटर चल के अगे पिंड पैंदा जी रायपुर। रायपुर दे विच भी धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का निवास स्थान बनिया होया है। इत्थे भी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी रुके। इस पिंड दा विद्वानां वल्लों जिक्र किया गया है पर इतिहास नहीं लिखिया गया। पर जदों असीं इस पिंड दे विच पहुंचे पिंड दे विच पुछ पड़ताल करन ते पता लग्या कि जिहदे कोल धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी आए सन जो सिख बनिया सी ओह सिख दा नाम सी भाई धर्मा जी। भाई धर्मा जी दे घर रहिंदे रहे। भाई धर्मा जी नूं गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने नाम बाणी दे नाल जोड़िया। सो भाई धर्मा जी दे परिवार वल्लों गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे जाण तों बाद संगत कायम कीती गई। नाम बाणी दे नाल जुड़दे रहे, संगतां नूं जोड़दे रहे। सो उस तों बाद उहनां दे पोतरे अजमेर सिंह ने इत्थे कच्चे कोठे तों पक्का अस्थान बना दिता। सो हुण इत्थे अजकल नौवीं पातशाह जी दी याद विच गुरद्वारा साहिब सुशोभित है। सो रायपुर तों बाद पिंड सील पहुँचदे ने जी। ये गुरद्वारा साहिब रोड दे उत्ते धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दी याद विच सुशोभित है। उस समय इत्थे जंगल सी, इहनूं हीस दा जंगल कहिंदे सी। हीस संस्कृत भाषा दा शब्द है। हीस दा अर्थ हुंदा है कि जंगल दी इक संघणी वाड़, जिहड़ी वाड़ दे विच शेर जा सूर जा होर खतरनाक जानवर अपने घुरने बना के रहिंदे हुंदे सन। इत्थे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने इत्थे दरख्तां दे झुंड थले गुरु तेग बहादुर साहिब जी कुछ देर गुजार के अगे पिंड सेखूपुर चले जांदे ने। सेखूपुर विच भी गुरद्वारा कुष्ट निवारण साहिब सुशोभित है। इत्थे पहला एक शमशान घाट सी, बाद विच बाबा पूरन दास जी ने इस थां नूं प्रगट कीता, इस स्थान की सेवा संभाल की। अज इत्थे गुरद्वारा साहिब कुष्ट निवारण साहिब पिंड सेखूपुर दे विच सुशोभित है ते संगतां नाम बाणी दे नाल जुड़ के लाहा प्राप्त करदियां हन। सेखूपुर तों 5 किलोमीटर गुरु साहिब जी अगे चलदे ने। अगे पिंड आउंदा जी पिंड हरपालपुर। हरपालपुर दे बाग दे विच धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी जाके बैठदे ने। इत्थे आप जी आसन लाउंदे ने, इत्थों ही गुरमत प्रचार दीयां गल्लां करदे ने, गुरसिक्खी दा बूटा लाउंदे ने। जदों पिंड विच उत्थे दी रहण वाली माता स्यामो नूं पता चलदा है तां माता स्यामो जी अपने पूरे परिवार दे समेत आ के गुरु साहिब जी दी सेवा विच जुटदी है जी। लंगर प्रसादे दा प्रबंध भी करदी है। इसे जगह ते अज गुरद्वारा मंजी साहिब पातशाही नौवीं सुशोभित है। इत्थे हुण इक इतिहास होर भी आउंदा है कि 1943 दे विच इसे पिंड दे रहण वाले संत बाबा गुरबख्श सिंह जी जो कि भिंडरांवाली टकसाल तो पढ़ के आए ते इत्थे 1943 दे विच उन्होंने एक विद्यालय कायम किया ते हर रोज़ बच्चियां नूं गुरबाणी कीर्तन दे राही जोड़दे ते नेड़े तेड़े दे पिंडां विच जाके प्रचार भी करदे। इसे पिंड तो पता लग्या कि संत बाबा गुरबख्श सिंह जी हरपालपुर वालिया ने हज़ारां ही विद्यार्थी बनाए जिन्हां ने पिंडां दे विच जाके प्रचार कीता अते बाबा हरपाल सिंह जी वल्लों नेड़े तेड़े पिंडां दे विच होर गुरद्वारे भी स्थापित कीते अते 1971 दे विच आप जी सचखंड प्याना कर गए। उन्हां तों बाद महंत जय सिंह जी नूं महंती मिली जो हुण तक मौजूदा हन। 1979 दे विच लोकल कमेटी बनी जो अज SGPC श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे अधीन है। जदों असीं इस स्थान ते पहुंचे, इस स्थान दे दर्शन कीते, असीं पुछिया कि इत्थे एक जिहड़ा विद्यालय हुंदा सी, हजारां बच्चे पढ़दे सन, ओह विद्यालय किथे है? तां सानूं बजुर्गां ने दस्सिया कि जदों दी कमेटी आई है उदों तों इह विद्यालय बंद हो गया बाबा जी दे जाण तों बाद। पर इसे पिंड दे विच इक होर बाबा रणबीर सिंह जी रहिंदे ने जो इह गुरमत विद्यालय दी सेवा निभा रहे ने ते पिंडां पिंडां विच जा के बच्चियां नूं नाम बाणी दे नाल जोड़ रहे हन। सो इस पिंड दे विच जो अस्थान दे आप जी दर्शन कर रहे हो, गुरद्वारा मंजी साहिब पातशाही नौवीं सुशोभित है जी। इत्थे इक बोहड़ दा रुख भी हुंदा सी जो संत सुंदर सिंह जी मंडोली वालियां वल्लों जदों इह गुरद्वारा साहिब बनाया गया ओह कटवा दित्ता सी, जिहदे करके उहनां नूं जेल भी जाणा पिया सी। सो ये अस्थान गुरद्वारा मंजी साहिब पातशाही नौवीं दे आप जी दर्शन कर रहे हो जी। इत्थों बाद गुरु तेग बहादुर साहिब जी अगे पिंड हसनपुर कबूलपुर जाते ने जी। की है उत्थे दा इतिहास,
अगे लड़ी विच श्रवण करांगे जी। जुड़े रहना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।